हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज रुचिका चुग और आज आपके सामने एक और वीडियो आया है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँगी कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन क्या हैं टिग्नोमेट्री में यूज़ होने वाले रेशो क्या हैं उनके क्या फॉर्मूला हैं उसके बाद हमने उन रेशोज़ को डिफरेंट एंगल्स में स्टडी किया था उनकी वैल्यूज निकाली थी देन वी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ एंड लेटर वी स्टडीड टिग्नोमेट्री विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो डिस्कशन आज हमारा इम्प्लीमेंट

In this question these two things are given. Let's see what are they asking. They are asking to determine different functions and different functions with different angles sine a cos a. साइन सी कॉस सी यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो रही है कि थीटा कहीं पे विजिबल नहीं है अगर थीटा विजिबल नहीं है कोई बात नहीं ट्राएंगल के जो वर्टिसज होते हैं इन दिस ट्राएंगल वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वो तीनों बिहेव करेंगे एंगल की तरह सो एंगल ए एंड ए इन द फर्स्ट पार्ट एंगल सी एंड दिस सी दे आर सर्विंग एज थीटा तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि साइन ए कॉस ए क्या निकाले जहाँ पर हमारा ए होगा थीटा नेक्स्ट दे आर आस्किंग फॉर फाइंड साइन सी बी एंड कॉस सी जहाँ पर ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा थीटा बट बिफोर स्टार्टिंग एनी थिंग वी शुड नो कि साइन और कॉस का रेशो क्या है उस रेशो को याद करने का फॉर्मूला तो आपको याद होगा वो फॉर्मूला क्या था वो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले ये तो आपको याद होगा जहाँ पे एस का मतलब है साइन जिसका रेशो है P बाय एच पी मतलब परपेंडिकुलर H मतलब हाइपोटेन्यूस C सी मीन्स कॉस कॉस रेशो इज़ B बाई एच मीन्स बेस बाय हाई पोटेन्यूज टी मीन्स टेंजेंट एंड द रेशो इज़ पर पेंडिकुलर अपॉन बेस हमने इस क्वेश्चन में निकालना क्या है हमने निकालना है साइन विद एंगल ए एंड कॉस विद एंगल एंड वी नीड टू रिपीट सेम फंक्शंस लेकिन एंगल चेंज करके वो एंगल क्या होगा सी एंड सी तो इन दोनों फंक्शन में कुछ भी निकालना है तो आपको ट्राइंगल में चाहिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर पा हमारे पास दो साइड तो गिवन है लेकिन तीसरी साइड नहीं है कैसे निकालेंगे आपको याद होगा जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो तो तीसरे निकालने के लिए एक स्पेशल थ्योरम है हमारे पास वो है पाइथागोरस थ्योरम सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम इसको भी याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी याद है वो ट्रिक क्या है वो ट्रिक है हाई बी पी हाई बी पी और फॉर्मूला क्या था एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखा जाए तो नीचे वाली साइड हम बेस मान लें तो वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी हाई पोटीन्यूज़ यहाँ गिवन नहीं है वो निकाल लेंगे तो हाई पोटीन्यूज हमें गिवन नहीं है बी स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फोर स्क्वायर और स्क्वायर क्या होगा मीन्स सेवन स्क्वायर फर्दर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी फोर इन ट्वेंटी फोर एक बार चेक करते हैं ये कितना होगा फोर फोर ज़ार सिक्सटीन फोर टू ज़ार एट एंड वन नाइन टू फोर ज़ार एट टू टू जार फोर सो दिस इज़ वॉट सिक्स नाइन एंड एट

लेकिन हमें यहाँ पे एच स्क्वायर नहीं चाहिए हमें यहाँ पे चाहिए एच मतलब हाइपोटेन्यूज सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स ट्वेंटी फाइव मीन्स वॉट ट्वेंटी फाइव ऐसा हमने क्यों किया ताकि ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें मालूम हो जाए दो साइड हमें मालूम थी तीसरी हमने पाइथागोरस से निकाली और वो यहाँ पर कितनी आई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो वी कैन राइट दिस ए सी एस 25 सेंटीमीटर अब हमें जो भी चाहिए हम रेशो उठाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे सो so स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में साइन ए जहाँ पे ए हमारा रहेगा एंगल साइन ए मतलब साइन साइन का रेशो होता है पी बाय एच पी बाय एच जहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज एक चीज़ का ध्यान रखना जो भी हमें यहाँ पे एंगल दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में ही पी और एच निकाला जाता है अगर मैं एंगल ए ये ले रही हूँ तो जो उसके साथ वाली साइड होती है वो हमेशा बेस होगी और जो उससे ऑपोजिट वाले साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी मतलब अगर एंगल ए को ना लेते हुए दूसरे केस में अगर सी को एंगल लिया जाए तो सी के केस में ए बी इस वक्त बेस नहीं होगा क्योंकि सी के ऑपोजिट में ए बी और ऑपोजिट सर्व करती है एज़ परपेंडिकुलर तो इस चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखेंगे फिर से मैं ए एंगल की तरफ वापस जाती हूँ तो फिर से अगर डिस्कस करें तो पी क्या होगा पी होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड उसके ऑपोजिट वाली साइड है बी सी hypotenuse amara same reega. the slant line is always hypotenuse so hypotenuse hai amara ac can we discuss what is the value of bc the value of bc is this time 7 and the value of ac is 25 so what is the ratio of sine a in terms of values the ratio of sine a is 7 by 25 same way we can go for next part and the same thing that is cos a एंगल सेम है लेकिन हमारा जो फंक्शन है रेशो है वो चेंज हो चुका है जिसका रेशियो क्या है बी बाई एच इफ आई राइट बी बाई एच तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा जो लाइन एंगल ए के साथ कनेक्टेड है वो बेस है और जो दूसरी है जो ऑपोजिट है वो पर्पेंडिकुलर है तो बेस के लिए हमें क्या लेना होगा बेस के लिए हमें लेना होगा ए बी हाई हमारा सेम रहेगा सो ए बी क्या यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू है ट्वेंटी फोर

P मीन्स परपेंडिकुलर H मीन्स हाई इनको डिसाइड करने से पहले हम एंगल देखेंगे एंगल है C, एंगल है C. तो इसके साथ वाली साइड होती है बेस और इसके ऑपोजिट वाली होती है पर और इस बार पर पेंडिकुलर ए है बी सी नहीं सो वट शेल आई राइट आई एम राइटिंग ए बी अपन ए सी हाई तो हमारा सेम ही रहेगा सो ए बी इफ आई सी दिस इज ट्वेंटी फोर एंड ए सी इज़ ट्वेंटी फाइव

and and hypotenuse hypotenuse is 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 AC only only the the value of of BC this time is 7. Hypotenuse is same only, 25. So this time same so can be taken as the answer of cos C that is 7 by तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो अगला क्वेश्चन क्या है कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसे एंड तक रीड करेंगे जो गिवन है वो देखेंगे और जो निकालना है वो देखेंगे कैसे पहले रीड करते हैं इफ कॉट थीटा अब यहाँ पर थीटा आ चुका है हमारे पास cot theta is equal to 7 by 8 then evaluate 1 plus साइन theta into 1 minus माइनस theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta तो कैसे निकालेंगे सोल्यूशन में हम पहले स्टार्ट करेंगे गिवन थिंग से हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू सेवन बाई एट अब कॉट होता क्या है अगर आपको याद होगा वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले जहाँ पे एस साइन है सी कॉस है टी टेंजेंट है बट हमें चाहिए कॉट और कॉट होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल तो कॉट का रेशो क्या बनेगा बी बाय पी बी बाय पी और ये वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है सेवन बाई एट अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करूँ ये एंगल नाइन्टी डिग्री है अब हमें एंगल गिवन है वो क्या है थीटा और इस ट्राइंगल का नाम अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ पी क्यू आर तो यहाँ पे पी क्यू आर ट्राइंगल के हिसाब से थीटा अगर ये है तो बेस हो जाएगा हमारा क्यू आर हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी आर तो यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू कितनी गिवन है बेस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है सेवन और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है एट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जितनी भी हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है ये हमेशा रेशो हैं तो रेशो को आपको पता ही होगा जब भी हम रेशो को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसके साथ k या x को लगा देते हैं तो हमारा जो बेस है वो सेवन नहीं है वो सेवन एक्स है और जो पपेंडिकुलर है वो एट नहीं है एट एक्स है ठीक है अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है ये पूरे फंक्शन को पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करने के लिए वन तो हमें गिवन है लेकिन हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए दो बार और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए दो बार अगर मैं इनके रेशो की बात करूँ तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच मतलब हमें पपेंडिकुलर भी चाहिए हाई भी चाहिए पपेंडिकुलर एट है लेकिन हाई तो हमें मालूम नहीं है तो हमें क्या करना होगा पाइथागोरस थ्योरम यहां पर फिर से लगाने होंगे तो क्या है वो पाइथागोरस थ्योरम फिर से देखते हैं यूजिंग पायथागोरस थ्योरम अब मुझे बता दो इसकी ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक तो अब याद होगी होगी हाई बीपी हाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हम यहाँ पर निकाल रहे हैं बेस यहाँ पर है सेवन एक्स होल स्क्वायर प्लस पेंडिकुलर है यहाँ पर एट एक्स होल स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर सेवन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटी फोर एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं हम इसको ऐड कर सकते हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा नाइन एंड फोर थर्टीन सिक्स एंड फोर टेन एंड वन एलेवन वन हंड्रेड एंड थर्टीन एक्स स्क्वायर तो एच की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ वन वन थ्री एक्स स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ वन वन थ्री एक्स तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज क्या मिल चुका है स्क्वायर रूट ऑफ वन वन थ्री एंड एक्स इज आउटसाइड द स्क्वायर रूट अब मैं अगर इसको इरेज करूँ तो वी कैन सॉल्व आर क्वेश्चन फर्दर मैं यहाँ पर h जो हमने कैलकुलेट की है h हमारा यहाँ पे क्या है pr, आर वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रूट वन वन थ्री एक्स अब इसको सॉल्व करने से पहले हम साइन थीटा को निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा जिसका फॉर्मूला है जिसका रेशियो है p बाय एच पेंडिकुलर हमें दिया हुआ है एट एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया रूट वन वन थ्री एक्स एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया और हमें मिला एट अपॉन रूट वन हंड्रेड थर्टीन सिमिलरली हमें कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का रेशो याद हो गया होगा अभी तक तो आपको बी बाय एच बेस यहाँ पर है सेवन एक्स हाईपोटिन्यूस जो अभी हमने कैलकुलेट किया रूट वन वन थ्री एक्स हमारा रूट में नहीं है ध्यान रखना एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो रेशियो बना सेवन अपोन रूट वन वन थ्री अब हमारे पास साइन थीटा भी आ चुका है कॉस थीटा भी आ चुका है दैट इज एट बाय रूट वन हंड्रेड थर्टीन एंड सेवन बाय रूट वन हंड्रेड थर्टीन इनको हम पुट करेंगे और इवेलुएट करेंगे तो दे आर आस्किंगलुएट दिस मैं वो फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ वन प्लस साइन थीटा इन वन माइनस साइन थीटा अपोन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा तो क्या वैल्यू थी वो हम पुट करते हैं जब भी कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप को हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे वन प्लस साइन थीटा जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था वो अगर आपको याद होगा वो था एट अपॉन रूट वन वन थ्री इन ब्रेकेट देन वन माइनस अगेन साइन थीटा एट अपोन रूट वन वन थ्री अपोन अब हमें यहाँ पर लिखना है वन प्लस जो कॉस् थीटा की वैल्यू निकाली थी याद होगा वो हमने निकाला था सेवन अपोन रूट वन वन थ्री इन ब्रैकेट एंड द सेम थिंग अगेन इन माइनस साइन सेवन अपोन रूट वन वन थ्री अब इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्री में हम अपनी पिछली जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हुई हैं एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वो भी हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको ध्यान से देखो ये बिल्कुल सेम नंबर्स हैं बस सिर्फ साइन में डिफरेंस है तो यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग सकती है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी याद होगा वो क्या होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एट अपोन रूट वन वन थ्री होल स्क्वायर. सिमिलरली डिनोमिनेटर अगर देखें ये भी बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग सकती है ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा वन एंड माइनस सेकेंड नंबर सेवन अपॉन रूट वन वन थ्री होल अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ सो वन स्क्वायर इज वन ओनली माइनस एट स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटी फोर रूट वन वन थ्री स्क्वायर मीन्स ओनली वन हंड्रेड थर्टीन सिमिलरली नीचे की अगर हम बात करें ये हमें मिलेगा वन माइनस फोर्टी नाइन अपोन वन वन थ्री अब यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक देने वाली हूँ ये जो हमारा न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसको अगर फर्दर सॉल्व करना है तो आपको याद होगा हम एल्सियम वाला मेथड यूज़ करते हैं बट एक फास्ट मेथड है जो मैं आपको कराना चाहूँगी इस पूरे एक्सप्रेशन को एक हम मिक्सड फ्रैक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हैं लेकिन बीच में माइनस साइन को लेते हुए सो so ये सॉल्व होगा वन हंड्रेड थर्टीन वन माइनस 64. जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में करते थे यहाँ पर हम प्लस करते थे लेकिन हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है इससे क्या होगा हमारा जो टाइम एलसीएम के लिए लग जाता है वो बच जाएगा सो so, क्या होता है 113 हंड्रेड थर्टीन इंटू वन दैट इज़ वन और माइनस सिक्सटी अगर करूँ मैं रफली दैट इज़ वॉट थर्टीन माइनस फोर नाइन टेन माइनस सिक्स फोर तो ये वन थर्टीन इंटू वन हो गया वन थर्टीन माइनस सिक्सटी फोर बना फोर्टी नाइन अपॉन वन हंड्रेड थर्टीन तो रहेगा ही सिमिलरली दिस वे वन हंड्रेड थर्टीन इंटू वन दैट इज़ वन हंड्रेड थर्टीन माइनस फोर्टी नाइन करेंगे तो हमें मिलेगा सिक्सटी फोर बाय वन वन थ्री ये दोनों वन वन थ्री हो गए तो हमें क्या मिलेगा फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर सो दिस इज़ आर इवेल्युएशन मतलब वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस आइन थीटा अपोन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर सो दिस इज़ द आंसर तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे रेशो के अकॉर्डिंगली रेशो के फॉमूला के अकॉर्डिंगली बट ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट अबाउट रेशियो वी हैव टू डू समथिंग मोर समथिंग मोर क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में